पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई। परीक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा दो दिन पूर्व ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया था। मुरादाबाद में इस परीक्षा के लिए 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर दो पालियों में ये परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगाह में संपन्न कराई गई। बुधवार को मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया गया। इस परीक्षा में भारी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा देने का काम किया। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रयास किए गए थे। मुरादाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण माहौल में नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पहले ही सभी को निर्देश जारी कर दिए थे। परीक्षा छूटने के बाद सभी परीक्षार्थियों का कहना था कि काफी अच्छा पेपर गया और सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक थी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम था आज, पेपर बहुत बढ़िया गया, अच्छा पेपर था, लेवल काफी अच्छा आया था, जेके क्वेश्चन अच्छे थे इसमें, करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन रखे थे, बाकी पेपर बढ़िया था। ये आज बीएड की प्रवेश परीक्षा एग्जाम एंट्रेंस का एग्जाम था, अच्छा रहा कुल मिलाकर। व्यवस्थाएं पंखे जो थे थोड़े स्लो थे और आगे ही आगे थे, जो बेंच पीछे थी उन पे पंखे नहीं थे। बिल्कुल, मेरा बी एड एंट्रेंस था और पेपर बहुत अच्छा हुआ। आपने सवाल किए कितने क्वेश्चन आए? हाँ, 100 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 70 प्लस हो गए और आगे बस। कैसी व्यवस्थाएं थी केंद्र पर? केंद्र पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, सुकून से आराम, कोई मतलब परेशानी नहीं, सब कुछ व्यवस्था अच्छी थी। जी नहीं, मैंने नहीं दी, फर्स्ट बार, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज पर बने परीक्षा केंद्र पर मौजूद प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता जी सिंह ने परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखकर यहां परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। दो पालियों में परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। ये बीएड के एंट्रेंस टेस्ट है, इस 2 साल बच्चे पढ़ते हैं बीएड के लिए और टीचर्स बनने के लिए तैयार होते हैं, तो ये परीक्षा है जो कि यहाँ 33 सेंटर्स में मुरादाबाद में हो रही है। और जो इंतज़ाम है अभी भी कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इंतज़ाम किए गए हैं। कल ही पूरे कॉलेज को सैनिटाइज किया, लेकिन वहाँ से भी विभाग द्वारा सैनिटाइजर्स और हमको ये मास्क वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बच्चों को एक डिस्टेंस में बिठा सकें और साथ में उनके साथ सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था के अनुसार कर सकें। कितनी पाली में होगी और कैसे? 2 पाली में है ये मीटिंग्स, और सुबह 9 to 12 है, शाम की मीटिंग है 2 to 5, 3-3 घंटे का पेपर है और 2 पेपर हैं, और जनरली वही बच्चे हैं जो कि फर्स्ट मीटिंग में हैं, वो भी सेकेंड मीटिंग।